हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप लोग? वेल, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप ऑफ रिलेशन, जिसमें रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांसिटिव क्या होता है। और इसके पहले लेक्चर जो था वहाँ पर हम लोग पढ़े थे एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं। तो आज जो है, और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, आज हम लोग उससे थोड़ा सा एक लेवल और भी हम लोग करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन में दिया था, बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि प्रीवियस लेक्चर में बना दिए हो, अगर नहीं भी बनाए हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको याद होगा कि हम लोग रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं। यू नो वेरी वेल व्हाट इज रिफ्लेक्सिव। देखो जी, रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां होना चाहिए ए कॉमा ए ब्रैकेट में बिलोंग्स टू आर, ठीक है, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल ए, और इसको ऑर्डर पेयर में रखो। जब भी ऑर्डर्ड पेयर में रखेंगे तो दिस विल बिलोंग्स टू कैपिटल आर, हमेशा ये रिलेशन से बिलोंग करता है, ये ध्यान देना है। और सिमेट्रिक के केस में पढ़ाया था मैंने, बस हल्का सा मैं रिकॉल कर देता हूँ। लेट ऐसा रहेगा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये हम लोग पार्ट लेकर के चलेंगे। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये लेकर के चलेंगे। और सॉल्व करते करते ला देना है बी कॉमा ए belongs to R, ये पार्ट लेकर के आ जाना है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लेकर के चलेंगे और सॉल्व करते करते आ जाएगा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगी, ठीक है। यहीं पर देखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में क्या करना है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड, आप लोग भी देखो जितना मौका मिलता है ना उतना आप रिविजन करते रहो, ठीक है। आपको यहाँ पर मिलेगा पढ़ने का मौका, स्कूल में मिलेगा, एग्जाम होगा तब मिलेगा, जितना हो सके ना कम से कम माइंड में दो तीन बार आपको प्रोग्रामिंग कर लेना है। आप ये कह सकते हो कि जो मेन एग्जाम होगा उसको, उसके आने से पहले तक आपको कम से कम दो से तीन बार तो कम से कम प्रैक्टिस हो ही जाना चाहिए। तो जब भी मौका मिले, अगर आता है फिर भी आपको रिकॉल करते जाना है, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन आपको सॉल्व करते करते जो ला देना है ना, इट इज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये पार्ट आपको लेकर के ला देना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। यहां जो दिया हुआ है ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल आर टी वन कॉमा टी टू, और ये सिमिलर का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। मुझे इसे क्या शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, और ये कुछ कुछ जो है ना इक्विवेलेंस क्लास का दिया हुआ है। कंसीडर द राइट एंगल ट्राइंगल टी वन विद द साइड्स थ्री फोर फाइव, टी टू विद द साइड फाइव ट्वेल्व थर्टीन, और टी थ्री विद द साइड सिक्स एट एंड टेन, कौन सा ये रिलेटेड करेगा। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, हालांकि इसके बाद और भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आएगा, 6 मार्क्स आपका कवर करेगा। तो जरा देखो हमारे पास क्या क्या है ना, ए है, और ए आपको पता है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ठीक है। सेट ऑफ क्या करेंगे हम लोग, ऑल ट्राइंगल कह रहा है। वेल उसके बाद वी आर टॉकिंग एज अ कैपिटल आर, इट इज टी वन कॉमा टी टू, ठीक है। ऑर्डर पेयर में रखा मैंने, और यहाँ रखा सच दैट टी वन सिमिलर टी टू, ठीक है, टी वन सिमिलर टी टू रखा। अच्छा अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव, वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या करना है, लेट एक ट्रायंगल ले लो टी वन, दिस विल बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब डाटा ऑर्डर पेयर में रहेगा ना, ब्रैकेट के फॉर्म में रहेगा ऑर्डर पेयर, ठीक है, तभी ये कैपिटल आर से होगा, रिलेशन में होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। तो हमने लिखा टी वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो एक ट्रायंगल लिया, क्योंकि इस वक्त सिमिलरिटी का डेफिनेशन है, एक ट्रायंगल में लिया, और एक ट्रायंगल खुद से क्या होता, सिमिलर हो सकता है। टेंथ में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा
कि जब भी कोई ट्रायंगल होता है खुद से सिमिलर हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि T1 सिमिलर T1, ठीक है, T1 सिमिलर T1 लिखा मैंने। अच्छा, T1 सिमिलर जब T1 है तो देखिए, अगर ये ऑर्डर पेयर में हुआ तो सिमिलरिटी होगा, और सिमिलरिटी हुआ तो ऑर्डर पेयर होगा। ये दो रूल आपको खाली फोकस करना है, एकदम ध्यान से फिर से सुन लो। इफ ऑर्डर पेयर इज गिवन देन वी विल टेक द कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंड इफ सिमिलरिटी इज गिवन वी विल टेक द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर पेयर। गॉट इट? नाउ सी, T1 सिमिलर T1, ठीक है, तो ये सिमिलरिटी है ना, वापस करते हैं, T1 T2 है तो T1, T2, उसी तरह T1 T1 दिया हुआ है तो वी विल टेक T1, T1, ऑर्डर पेयर में ले लो, दिस विल बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है, ये हमारा कैपिटल R से बिलोंग करेगा, T1, T1 बिलोंग्स टू कैपिटल R, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स, ये आपका रिफ्लेक्सिव होना है, ठीक है। अच्छा देखो, तो अब जरा देखो, रिफ्लेक्सिव वही होता ना, सेम, तो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस इज अ रिफ्लेक्स, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहीं पर देखो तो सिमेट्रिक, क्या हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, मैं यहीं पर बता देता हूँ सिमेट्रिक में, तो मैं क्या लेकर के चलूंगा, एक ऑर्डर पेयर लेकर के चलता हूँ, लेट T1 और कॉमा T2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है, T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, कैपिटल R से बिलोंग करेगा। तो जब ना कैपिटल R से बिलोंग करेगा, तो बताया था ना, अगर ऑर्डर पेयर में रहेगा तो सिमिलरिटी का कंसेप्ट लेकर के हम लोग चलेंगे, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट T1 सिमिलर T2, ये लिखा मैंने। अगर ये T1 सिमिलर T2 है तो अब हम लोग को क्या करना है, T1 सिमिलर T2 तो उल्टा करो, T1 सिमिलर T2 है तो ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। अच्छा देखो, जब T1 T2 से सिमिलर है तो T2 T1 से भी तो सिमिलर होगा, ठीक है, अगर T1 इज सिमिलर टू T2 देन वी कैन ऑल्सो राइट T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1, गॉट इट? नाउ अगर सिमिलरिटी रहा तो हम लोग ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं, जैसा बताया था सिमिलरिटी इज गिवन वी कैन राइट इन ऑर्डर पेयर, सो आई कैन राइट हियर T1 T2, क्योंकि पहले तो T2 है ना, तो T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू कितना होगा, कैपिटल R। देखो तो हमने क्या लेकर के चला था, T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, आ क्या आ गया, T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R, तो दिस इज व्हाट सिमेट्रिक, ये देखो यही हमारा सिमेट्रिक है, द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। वेल, एक और देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, ये सिमेट्रिक था, अब हम लोग ट्रांसिटिव लेकर के चलते हैं। अब आपको ध्यान से देखना है कि ट्रांसिटिव हम लोग कैसे लेकर के चलेंगे, ये जो कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसिटिव के केस में T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, एंड फिर हम क्या लेंगे, T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है, दो ऑर्डर पेयर हमने लेकर के चला, T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, तो करना क्या है ना, T1 सिमिलर T2 एंड साथ साथ T2 सिमिलर T3, लिख सकते हैं, जब ऑर्डर पेयर में रहेगा तो सिमिलरिटी का कंसेप्ट लेंगे, यहाँ भी ऑर्डर पेयर में है तो सिमिलरिटी का हम लोग कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं। अच्छा बताओ, आप इसको समझो, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन वन, इसे समझो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन टू, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम लोग देख सकते हैं, यहाँ देखिए, फ्रॉम वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशन का यूज किया, वी कैन टेक T1 सिमिलर T3, अगर T1 T2 से सिमिलर है, T2 T3 से सिमिलर है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट T1 सिमिलर T3, तो अगर सिमिलर है तो हेंस वी कैन राइट T1 कॉमा T3, ठीक है, बिलोंग्स टू कैपिटल R, कैपिटल R से हमने क्या लेकर के चला था, T1 कॉमा T2, T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, और सॉल्व करते करते हमने क्या लेकर के आ गया, T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है, तो देखो ये हमारा ट्रांसिटिव आ गया, यही पार्ट हमें प्रूव करना था, अगर ये ट्रांसिटिव है तीनों रिलेशन तो क्या होगा जी, इट विल इक्विवेलेंस, आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है, सिंस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव सो इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, तो ये ट्रांसिटिव हो गया। अब देखिए जब ट्रांसिटिव हो गया तो करना क्या है हमें,
ध्यान से देखिए, इसी में कह रहा है कि कंसिडर द राइट एंगल ट्रायंगल टी वन, देखो टी वन साइड है जिसमें साइड 3, 4, 5, टी टू है 5, 12, 13, टी थ्री है 6, 8 और 10 कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि कौन सा साइड, देखो सिमिलरिटी में क्या होता है, या तो एंगल के बेसिस पे लेते हैं हम लोग और साइड के प्रोपोर्शनल के बेसिस पर। तो यहाँ पे साइड दिया हुआ है, तो क्या साइड प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है? चलिए देखते हैं कौन सा ट्रायंगल का साइड प्रोपोर्शनल है। आप देखो टी वन लो और टी थ्री लो, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो साइड्स ऑफ टी वन एंड टी थ्री आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हो गया प्रोपोर्शनल। अगर ये प्रोपोर्शनल है कैसे, देखो 3/6 लेंगे, इसका 3 इसका 6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/, क्या ले सकते हैं हम लोग 10 ले सकते हैं, होगा कि नहीं होगा? आप कट करो 1/2, 1/2, 1/2, इट विल कम 1/2, 1/2, 1/2 आ जाएगा। तो जैसे ये प्रोपोर्शनल हो गया, तो हैंस वी कैन राइट टी वन इज रिलेटेड टू टी थ्री, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि टी वन इज रिलेटेड टू टी थ्री, यह इसका कंसेप्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए अब अगला क्वेश्चन में हम लोग इन करते हैं। देखिएगा ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से इसमें देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि लेट एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको प्रूव दैट रिलेशन ऑन सेट जेड, ठीक है, सेट जेड की बात हो रही है, क्लियर। ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर डेफिनेशन ये दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और बाय कंडीशनल एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड कह रहा है, ठीक है, ऑन जेड कह रहा है। तो आइए इसको देखते हैं सॉल्व करके कि भाई ये बनेगा कैसे। क्वेश्चन में देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन, मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या दिख रहा है। वी हैव कैपिटल ए, जेड का मतलब क्या हो गया इंटीजर, ये जेड ही ले लेते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स आप इसको ए भी लिख सकते हो, नहीं तो यहां पर क्या कर लो कैपिटल जेड कर लीजिए, कैपिटल जेड, ये तो हमारा कैपिटल जेड हो गया। अब आपका रिलेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इस बार रिलेशन जो डेफिनेशन दिया हुआ है ना, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एन कह रहा है, ठीक है, एन कह रहा है, और साथ साथ एन बिलोंग्स टू जेड, यही कह रहा था, देख लेते हैं, एन बिलोंग्स टू जेड नहीं, इक्विवेलेंस ऑन जेड कह रहा है, ठीक है, ये देखिए By n से ये डिविजिबल होगा, और एक्स वाई कहाँ से लेंगे हम लोग, आप देख सकते हो x कॉमा वाई जो होगा ना, इट विल बिलोंग्स टू z। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लिखा है, x और y जो है लूज है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है। तो जब ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा देन इट विल बिलोंग्स टू कैपिटल R। अभी क्या है कि ये कैपिटल z से बिलोंग करेगा, ठीक है, कैपिटल z से बिलोंग करेगा। अब जरा मुझे बताओ x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई कैपिटल n हो गया, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के केस में क्या करना होगा, लेट एक एलिमेंट लो, इट विल बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, ठीक है, मुझे एक ही एलिमेंट लेना है, ये मैंने कहाँ से लिया, कोई भी इंटीजर ले लिया। अब डेफिनेशन इस पर क्या कह रहा है देखिएगा, लाइन एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग है, जब ये ऑर्डर्ड पेयर वाला रहेगा तो हम लोग ये लाइन लिखेंगे, बस इसी दो गेम को समझना है। अगर ऑर्डर्ड पेयर रहा तो वो जो स्टेटमेंट कह रहा है ना, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एन कह रहा है, और अगर लाइन के फॉर्म में रहा तो क्या कर देंगे बताओ, हम लोग ऑर्डर पेयर में ले सकते हैं, ठीक है, वी कैन टेक इन फ्रॉम द ऑर्डर पेयर। और जी थोड़ा देख ले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसा कहा गया था x बिलोंग्स टू z, तो x को खुद से माइनस करो, इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, जीरो आ जाएगा, और जीरो विच इज s डिविजिबल बाई, ऑफकोर्स जीरो इज डिविजिबल बाई वुट n, ठीक है, एन से डिविजिबल है। तो बताया था ना अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में रहा तो हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो मैं कह सकता हूँ ना कि एक्स माइनस वन इज डिविजिबल बाई कितना हो गया, एन हो गया,
तो अब हम लोग क्या देखेंगे, x कॉमा x बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है, x कॉमा x बिलोंग्स टू कैपिटल R। देखो क्यों, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में, ध्यान से देखिएगा, जैसे x माइनस वाई था तो x कॉमा वाई होगा, p माइनस वाई रहता तो p कॉमा वाई होता, ठीक है। यहां पर क्या है, x माइनस x है तो मैं लिख सकता हूं कि x कॉमा x बिलोंग्स टू कैपिटल R, मैंने लिखा, तो कह सकते हैं ना कि दिस इज व्हाट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव आ जाएगा, दिस इज रिफ्लेक्सिव। चलिए उसके बाद देखो तो सिमेट्रिक, एकदम मैंने पहले बताया था ना, एकदम एक्टिव होकर बैठ जाइए, एकदम टॉपर जैसा एटीट्यूड में आपको बैठना है, एकदम फील कीजिए एकदम, ठीक है, कि अगर टॉपर आप बन जाओगे तो कैसी उस वक्त फीलिंग रहेगी, किस लेवल का आपको मेहनत करना होगा, उस अंदाज में फील कीजिए। भले आपका मार्क्स अगर कुछ भी आता हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पहले तो आप सोच डालो, माइंड में सोच डालो, ठीक है, झूठा ही है लेकिन आपको सोच डालना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। सिमेट्रिक, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, हम लोग ये पार्ट ले करके चलेंगे, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर ले करके चलेंगे, और सॉल्व करते करते क्या ला देना है, y कॉमा x बिलोंग्स टू आर। तो जैसा बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, तो बताओ, हाँ स्टेटमेंट में लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या कह रहा है बताओ, x माइनस वाई इज वी आर गेटिंग डिविजिबल बाई कैपिटल N, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x माइनस वाई डिविजिबल, इसका मतलब ये डिविडेंड हो गया, n डिवाइजर है, और डिवाइड करने के बाद लैम्डा कोशेंट आ रहा है और रिमाइंडर तो जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो इसका मतलब रिमाइंडर वी आर गेटिंग एज अ जीरो, ये जीरो हो जाएगा। अब जरा देखो, जब रिमाइंडर जीरो होगा तो क्या कर सकते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, x माइनस वाई इक्वल टू एन लैम्डा, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ मैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मैंने माइनस पहले लगा दिया है, इसको ब्रेक करोगे तो x माइनस वन ही आएगा आपका, और वी आर गेटिंग एज अ n लैम्डा हो गया। तो चलिए यहाँ देखते हैं, इट इज y माइनस एक्स, यहाँ सॉल्व कर सकते हैं n, और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा वी आर गेटिंग, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव आपका इससे ही जाएगा, तो n की जगह माइनस लैम्डा में लिख दिया। इससे क्या समझ में आ रहा है कि y माइनस एक्स एक डिविडेंड है, n आपका क्या है, डिवाइजर है, और लैम्डा क्या है आपका, कोशेंट होगा, ठीक है। y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई n हो गया, ठीक है, तो कह सकते हैं कि y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई n, क्लियर। क्या मैं इसका उल्टा लिख सकता हूँ कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग लिखेंगे कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो उसी तरह से मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि y कॉमा x बिलोंग्स टू कैपिटल R लिखा। तो देखिए हमने लेकर के क्या चला था, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, R क्या आ गया, y माइनस x बिलोंग्स टू R आ गया हमारा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक, क्लियर। आइए एक पार्ट और देख करके हम लोग चलते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसिटिव, देख लीजिए ट्रांसिटिव कैसे निकलेगा, ये था सिमेट्रिक वाला पार्ट, अब देखना आपको ट्रांसिटिव निकालना है। ट्रांसिटिव ध्यान से देखिए, ट्रांसिटिव कैसे निकलेगा, इस केस में बताया था कि दो पार्ट लेकर के चलो, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y माइनस एक्स y माइनस जेड बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है, मैंने ऑर्डर्ड पेयर दो लिया है, बिलोंग्स टू कैपिटल R, बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय, मैंने लिखा n, पहला काम तो ये करेंगे कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर में है तो माइनस करके लिखेंगे, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, एंड दूसरा क्या लिखेंगे, y माइनस जेड इज डिविजिबल बाय n लिखना है, ठीक है, दोनों हमारा n और n होंगे। अब जरा देखो x माइनस वाई यहाँ लिख सकते हैं n लैम्डा, आप लैम्डा वन भी कर सकते हो, ठीक है, इसका नाम इक्वेशन वन करते हैं, एंड यहाँ मैंने लिखा कि y माइनस जेड इक्वल टू ये हो गया n लैम्डा टू, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन टू। हमारे पास क्या है, इक्वेशन वन है, हमारे पास इक्वेशन टू,
दोनों इक्वेशन को आप ऐड करो, इक्वेशन वन और प्लस इक्वेशन टू दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा ना, इट विल कम एक्स माइनस वाई प्लस इट विल कम वाई माइनस जेड, यहाँ पर आ गया एन लैम्डा वन और एन लैम्डा टू, कैपिटल वाई सॉरी वाई और माइनस वाई कैंसिल, एक्स माइनस जेड यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल देंगे, लैम्डा वन और प्लस इट विल कम लैम्डा टू, लैम्डा वन लैम्डा टू, तो क्या लिखा जा सकता है कि एक्स माइनस जेड इज डिविजिबल बाई एन, ठीक है, ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये हमारा एन डिवाइजर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन। तो बस उसके बाद अगर ये स्टेटमेंट है तो ऑर्डर पे मैं लिखता हूँ, एस कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये हमारा कैपिटल आर से बिलोंग करेगा, तो ये ट्रांसिटिव हो गया, इस विल कम एज अ ट्रांसिटिव, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि क्वेश्चन ये तो जब आएगा तो 4 मार्क्स में आपका आएगा क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ n की जगह अगर कोई कर दे 2, ठीक है, कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2 कर दिया जाए, अगर ऐसा कह देता है, ठीक है, और इसमें क्या कर देता है, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास, मतलब कि 1 का, ठीक है, 2 का इक्विवेलेंस क्लास कह सकते हैं, ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू 1, ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू, ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू 3, ये सब इक्विवेलेंस क्लास बोल देगा फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगा। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि ये जो 1 है ना इक्विवेलेंस क्लास, ये हमेशा ये समझो y वाला पार्ट होता है, दिस विल इंडिकेट द y पार्ट, तो जब y पार्ट है तो कह सकते हैं हमें क्या निकालना पड़ेगा, x वाला पार्ट, तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज x कॉमा 1, x कॉमा 1 बिलोंग्स टू R, ठीक है, जैसा बताया गया कि दिस 1 इज इंडिकेटिंग टू y पार्ट, तो वी कैन राइट x कॉमा 1 बिलोंग्स टू कैपिटल R, इट्स इंप्लाइज दैट इट इज x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय क्या कर सकते हैं हम लोग 2 कर सकते हैं, ये लिखा जा सकता है, ठीक है, यहाँ देखिए, तो अब जरा देखो यहाँ पर अगर डिविजिबल बाय 2 है तो क्या होगा, यहाँ देखिए x माइनस 1 इक्वल टू 2 लिमडा लिखा जा सकता है, भाई ये डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड हो गया, और 2 x माइनस 1 इज डिविडेंड, 2 डिवाइजर क्वेश्चन आ जाएगा, क्लियर, उसी तरह से x माइनस 1 लिख इसको लिखा जा सकता है x इक्वल टू इट इज 2 लिमडा प्लस 1 मैंने लिखा, क्लियर। अब क्या करो ना, लेमडा का वैल्यू कुछ भी उठा करके पुट कर सकते हो, लेमडा बिलोंग्स टू आपका जेड होगा, कोई भी इंटीजर रखते चले जाओ, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर जीरो रखते हैं, ठीक है, जीरो रखते हैं तो ये प्लस माइनस दोनों आएगा हमारा, ध्यान से देखिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू, कौन कौन सा आंसर हमारा आ सकता है ध्यान से देखिए, क्योंकि लेमडा का वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है ना कि ये इस तरह से बोलेंगे डिविजिबल बाय 2, ठीक है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 वी आर गेटिंग, ठीक है, लैम्डा बिलोंग्स टू z होगा, और जब लैम्डा बिलोंग्स टू z होगा तो x का वैल्यू दोनों केस में आपका आएगा, ठीक है, यहाँ 0 पुट करोगे तो ये हट जाएगा, तो x इक्वल टू जो होगा ना इट विल कम प्लस माइनस, दूसरा जब आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो ये हो गया 2 प्लस 1 3, तो प्लस माइनस 3, ठीक है, जब यहाँ 2 पुट करोगे तो 4 प्लस 1 प्लस माइनस कितना हो गया 5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा हो गया, तो ये 1 है, उसी तरह मुझे बताओ 2 का अगर देख सकते हो तो 2 के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं जरा बताइए, इन द केस ऑफ 2 ध्यान से देखिएगा, जैसा बताया गया था 2 के केस में x कॉमा 2, क्योंकि ये जो y 2 है ना इट विल एक्ट एज अ y और belongs to मैंने लिखा capital R कर दिया, और यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट में x माइनस 2 इज डिविजिबल बाई वी आर गेटिंग एज अ 2, ये मैंने 2 लिखा। अब मुझे बता दो अगर जैसे ही हुआ तो x माइनस 2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 lambda, ठीक है, ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू 2 lambda और प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो,
तो एक्स का देखो क्या क्या आ सकता है, लेमडा का वैल्यू 0 पुट किया तो इट विल कम प्लस माइनस 2, 1 पुट किया तो 2 प्लस 2 प्लस माइनस 4, ठीक है। उसके बाद 2 पुट करोगे तो ये हो गया 4 प्लस 2 6, तो प्लस माइनस 6 हो गया। इसी तरह से हम सारा का सारा निकाल के चले जाएंगे। तो देखो ये 2 है जिसको हम लोग इक्विवेलेंस क्लास कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड 2, 2 का इक्विवेलेंस क्लास यही आपका दिखेगा। तो मेरी बातें समझ में आ रही, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इन करते हैं। देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ शायद आप लोगों को दिख जाए। हाँ अगर नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको पढ़ देता हूँ। शो दैट रिलेशन आर ऑन द सेट ए, ये जो सेट ए दिख रहे हैं ये ऑल बुक का कलेक्शन ही नहीं लाइब्रेरी में, सेट ए आपको लेना है जिसमें सारे बुक का कलेक्शन आपको दिखेगा। गिवन बाई, ये रिलेशन दिया हुआ है x, y, x and y have the same number of pages, ठीक है, x and y have same number of pages। आइए इसमें सीखते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले आप यहाँ डिक्लेयर कर लो लेट a, ये जो कह रहा है ना कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी। अब देखिए ये हो गया एक्स कॉमा वाई सच दैट, ठीक है, सच दैट कह रहा है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। यहां कह रहा है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यही हमारे पास है, कैपिटल ए का वैल्यू दिया हुआ है, वी आर हैविंग कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, कैपिटल आर इज गिवन, एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज गिवन। अब देखो हम लोगों को करना क्या है, वी आर हैविंग रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव हम लोग देखेंगे। लेट अभी एक ले लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब एक्स क्या होगा भाई, एक बुक हो गया जो कैपिटल ए से लिया, एक बुक मैंने लिया। और मुझे बताओ यहाँ पर जरा देखिए, जब कैपिटल ए हमने लिया, एक्स एक बुक है, एक ही बुक है ना, तो कह सकते हो कि एक बुक में जितना पेज है खुद के साथ उतना ही पेजेस हो, कोई तो दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये आपको ध्यान से देखना है, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक बुक का खुद से कंपेयर करोगे, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस कह रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के केस में, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्सिव वी टेक द नंबर ऑफ बुक एज अ इक्वल, तो एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा अब बड़ा तो कह सकते हैं ना कि ये स्टेटमेंट, जब भी ऐसा स्टेटमेंट सेम नंबर ऑफ पेजेस दिखता है तो ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं एक्स कॉमा वन, यहाँ एक्स और एक्स है तो लिख सकते हैं एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, जब कैपिटल आर है तो वी कैन टेक दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो। अच्छा रिफ्लेक्सिव के बाद जरा देखो तो वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के केसेस में देखिए, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, हमने क्या लिखा, आर लिखा, तो एक पार्ट हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि एक्स कॉमा वाई, तो एक्स एक बुक है वाई एक बुक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जैसी अगर ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा तो हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मैंने लिखा x एंड y हैव इट इज सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस मैंने लिखा, ठीक है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा तो क्या उल्टा भी सही है, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ऑफ कोर्स कि जब एक्स और वाई दो बुक है उसमें सेम पेजेस है तो वाई एंड एक्स हैव
ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तब हम लोग क्या करेंगे कि वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू कितना कर दिया, कैपिटल आर नाइन कर दिया। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ऑफकोर्स लिखा जा सकता है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में स्टेटमेंट्स हम लोग ऑर्डर पे इस तरह से लिखेंगे। हमने क्या लेकर के चला, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, आ क्या गया जी, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। ये जो है ना, ये हमारा सिमेट्रिक आ गया। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसिटिव पी केस में, ये देखिए ये हमारे पास ट्रांसिटिव आई है, तो ट्रांसिटिव भी बताया गया था कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, एंड यहां लिख लेते हैं y कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दो पार्ट हम लोग लेकर के चलेंगे। और लिख सकते हैं अब जैसे ऑर्डर पेयर में है तो स्टेटमेंट x कॉमा वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, एंड y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गए। यहां देखो x कॉमा y बिलोंग्स टू कैपिटल R, एंड ये तो हो ही गया था। अब देखो जब x और y का सेम नंबर ऑफ पेजेस है और y और z का भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, बीच में y और y कॉमन है, जितना x में उतना ही y में है और जितना y में उतना z में है, इसका मतलब जितना x में होगा इतना z में होगा। तो आप इसको फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वी कैन राइट सिमिलरली करके लिख सकते हो, x एंड z have it is same number of pages, यहाँ लिखा सेम नंबर ऑफ पेजेस, और जब सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो यहाँ पे लिखा जा सकता है x कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर। देखो जी ये तो कैपिटल आर हो गया, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को लेकर, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल कम एज अ ट्रांसिटिव, ये जो हो गया ना ये हमारा ट्रांसिटिव। अच्छा देखो जब हमारे पास ट्रांसिटिव आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए ये a हो गया, ये कैपिटल R हो गया, सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गए। एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लस एकदम आता है एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन, शो दैट रिलेशन R ऑन द सेट a ऑफ द पॉइंट इन द फ्रेम गिवन बाय p, q, distance of the point q from the origin is same as the distance of the q from the origin, ठीक है, is an equivalence relation. Further show that the set of all the points related to the p mod 0, 0 is the circle passing through p with the origin as a center, ठीक है, with origin as center. तो आओ हम लोग यहीं पे बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ तो अब तो पता चल गया ना, कैपिटल ए जो लिया गया है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स इसमें लिया गया है, ध्यान से देखिए, और कैपिटल आर तो ये दिख ही रहा है, ये देखिए मैं यहीं पर देख लेता हूँ, इसको उतना लिखने की जरूरत नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर देख लीजिएगा ये हमारा कैपिटल आर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के केस में लेट, ठीक है, आपको क्या कर लेना है, एक आपको कोई भी पॉइंट कलेक्ट कर लेना है, ध्यान से देखिए अगर दिख रहा है तो बढ़िया बात है, लेट कोई भी पॉइंट ले लो, क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्यू क्या किया जी, मैंने एक पॉइंट ले लिया जो कहां पर बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, दिस इज कॉल्ड क्यू, क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो गया। अब देखो लेट क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल ए मैंने लिखा, अब आपको क्या करना है, p कॉमा क्यू, तो अगर p कॉमा क्यू लेता हूँ तो डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ऑरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ q, मतलब कि एक ऑरिजिन रहेगा, p और q का डिस्टेंस दोनों क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ q लिया, ये देखो q, तो ये o हो गया ऑरिजिन, तो कह सकते हैं ना एक q
क्यू का डिस्टेंस खुद के साथ तो सेम ही होने वाला है भाई। जब दो पॉइंट अलग अलग था, P और Q था, तो ये P था और ये Q था, और दोनों का कंपेयर हम लोग कहाँ से करेंगे? ओरिजिन से कंपेयर करेंगे, और ओरिजिन को हमने क्या अज्यूम कर लिया? दिस इज O, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं PO इक्वल टू OQ ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, Q बिलोंग्स टू मैंने लिखा, कैपिटल E मैंने कर लिया। तो अब जरा ध्यान से देखो इसमें करना क्या है कि एक पॉइंट का ओरिजिन के साथ खुद का, तो OQ इक्वल टू क्या करना बताओ, तो OQ मैंने कर लिया, ठीक है। ओरिजिन का खुद के साथ जो डिस्टेंस है ना वो सेम से, OQ इक्वल टू मैंने OQ, तो सही है। अब लिखा जा सकता है ना कि OQ इक्वल टू OQ, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। आप तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, OQ इक्वल टू OQ। तो अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो, तो Q कॉमा Q बिलोंग्स टू मैंने कितना लिख दिया, कैपिटल R, डायरेक्ट आप लिख दो, ठीक है, Q कॉमा Q बिलोंग्स टू कैपिटल R, यही होगी, ठीक। जैसे ये होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव आ जाएगा, बस समझ पा रहा है, ठीक है। दोनों डिस्टेंस सेम हो गया ना, ये लाइन में कह रहा था, स्टेटमेंट में कह रहा था, ये खाली मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब जब रिफ्लेक्सिव हो गया तो उसके बाद हम लोग लेकर के चलते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्री, ये सिमेट्रिक हो गया। लेट मैं एक पार्ट लेकर के चलता हूँ, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर, ठीक है, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर, जैसा भी आपको पढ़ाया है, दो लेकर के चलेंगे, ये हो गया PO और QO, ये हो गया PO और QO, ये दोनों सेम है। अच्छा, जब ये सेम होगा PO इक्वल टू QO, तो ऐसा भी तो लिख सकते हो, QO इक्वल टू PO भी तो लिख सकते हो, दोनों हमारा क्या है, सेम सेम। अब इसको उल्टा करके देखो कि डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम O, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O इज सेम, तो मैं लिख सकता हूँ Q कॉमा P बिलोंग्स टू R। हमने लेकर के चला था P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, आ क्या आ गया, Q कॉमा Q बिलोंग्स टू R आ गया, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। इसका बढ़िया सा नोट्स बनाते चले जाइएगा आप लोग। प्लस तीसरे के केस में देखते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसिटिव, तो ये जो ट्रांसिटिव है ना, इस ट्रांसिटिव को कैसे लेकर के चलेंगे। लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड एक और ले लेता हूँ, क्यू कॉमा आर बिलोंग्स टू आर, ठीक है, या कुछ एस कर लो यहाँ पर, अगर आर आर आपको दिख रहा है, यहाँ आर कॉमा एस कर लेते हैं, क्यू कॉमा एस बिलोंग्स टू कैपिटल आर मैंने लिख लिया। अब जरा देख लो, यहाँ लिखा पी ओ इक्वल टू क्यू एंड QO इक्वल टू SO, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन वन, ये हो गया इक्वेशन टू। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशन को देखो, तो हम देख सकते हैं ना PO इक्वल टू SO, ये तो हो ही सकता है, PO इक्वल टू SO मैंने कर दिया, जैसे PO इक्वल टू SO है, ये हमारा थ्री हो गया स्टेटमेंट, PO इक्वल टू SO मैंने कर दिया, ठीक है, ये देख लो। तो जैसे हो गया, तो अब तो इसको लिखा जा सकता है, ये हो गया P कॉमा S बिलोंग्स टू मैंने लिखा कैपिटल R मैंने कर लिया, ठीक है, कैपिटल R मैंने कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसिटिव, यही हमारा आ जाएगा ट्रांसिटिव, ठीक है, दिस विल कम एज अ ट्रांसिटिव। तो जैसे ट्रांसिटिव आ गया, अब देखिए इसी में करना क्या है कि इक्विवेलेंस तो हो जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट इक्विवेलेंस, और जब इक्विवेलेंस हमारा हो गया, तो अब आपको क्या करना है कि शो दैट ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू द पी, और पी क्या होना चाहिए, ओरिजिन का नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी थ्रू विद द ओरिजिन एज सेंटर, ठीक है, विद द ओरिजिन एज सेंटर, एकदम बढ़िया से पहले एक बार पढ़ लो, ठीक है, पढ़ने के बाद मैं आपको बता देता हूँ करना इसमें क्या है। इक्विवेलेंस तो आपका हो जाएगा, अब देखो लेट क्या कर लेना ना, शो दैट
सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल, ये पी बिलोंग्स टू कितना कर लो जी, हमारे पास कैपिटल ए एंड, और ये जो क्यू है ना, ये भी मैंने कहाँ से लिया, कैपिटल ए से लिया। तो मैं लिख सकता हूँ पी कॉमा क्यू, ये दोनों बिलोंग्स टू क्या है, आर है। जब आर है तो पी ओ इक्वल टू क्यू ओ हो सकता है, ठीक है, पी ओ इक्वल टू क्यू ओ हो सकता है। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, पी ओ इक्वल टू क्यू ओ हो सकता है, ठीक है। आप कह सकते हो कि O एक फिक्स्ड पॉइंट है और Q को मान लो ले लिया, ठीक, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। अब ये Q इस तरह से मूव कर रहा है कि ओरिजिन से हमेशा डिस्टेंस क्या बना रहा है, फिक्स बना रहा है आपका, ठीक है, हमेशा फिक्स बना रहा है डिस्टेंस ओरिजिन। ये देखिए, ये कह रहा है ना, ये हमारा जो दिख रहा था क्यू ओ इक्वल टू पी ओ, ये कह रहा मान लो कि पॉइंट की जो मूव इस तरह से कर रहा है कि ये ओरिजिन से हमेशा डिस्टेंस क्या बना रहा है, फिक्स बना रहा है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स बना। तो कह सकते हो कि ओ जीरो कॉमा जीरो इज ऑलवेज सेम, ये क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, इज ऑलवेज सेम होगा, ये तो हमेशा सेम होगा, एंड इज ऑलवेज सेम, ये तो हमेशा सेम है, और सेम है एक तरह का पीओ क्या बन जाएगा जी, रेडियस के जैसा काम करेगा, विच इज इक्वल टू क्यू हो गया, ठीक है, ये एक तरह का रेडियस जैसा आपका बन जाएगा, जैसा आपको बताया गया था। तो अब आप कह सकते हो कि लोकस ऑफ क्यू है ना, अब हमारे पास क्या हो सकता है कि लोकस, लोकस जैसे आप जान रहे हो कि क्यू पॉइंट कुछ भी मूव कर रहा है, इस तरह से ये मूव करते जा रहा है, इस तरह से ये मूव कर रहा है कि सेंटर से हमेशा डिस्टेंस क्या बन रहा है जी आपका, सेम बन रहा है, सेंटर से हमेशा डिस्टेंस सेम बन रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, बता देता हूँ कैसे आपको काम करना है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा कैसे आपको लिख सकते हैं। लोकस ऑफ क्यू इज अ सर्कल, यहाँ लिखना है लोकस ऑफ क्यू इज अ सर्कल विथ, ये पॉइंट विथ रेडियस, विथ रेडियस ओ क्यू भी कह सकते हो, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, पी पॉइंट हमने जनरल ले लिया था, ठीक है, जनरल पॉइंट लिया था, तो विच इज इक्वल टू आर, बस इतना ही आपको लेकर के चलना है। कोई भी पी और क्यू पॉइंट ले लो, दोनों का डिस्टेंस क्या होने वाला है, सेम है, ठीक है, क्यू मूव करते जा रहा है, चलते जा रहा है, और पी एक जनरल पॉइंट था, तो ओ क्यू क्या है, सेम होगा, विच इज इक्वल टू ओ पी, ओ पी रेडियस है जो कि हमेशा सेम डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड था, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आना चाहिए, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ऑसम, एकदम टॉपर के जैसे बिहेव करना, हम जीतेंगे।